तो किसने लगा रखी है यहाँ पर अपने हाथों पर मेहंदी? अरे जिस घर में तीन तीन बहुएं हों उसमें मेहंदी लगाना तो बनता है ना। क्या यहाँ पर तो है सिर्फ ट्विस्ट की मेहंदी। आया है फिर से पांड्या स्टोर में एक नया ड्रामा। क्या है ये ड्रामा, आइए देखें। पांड्या ब्रदर्स बने मास्टर शेफ। किचन का हुआ सत्यानाश। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में धरा की साफ सुथरी रसोई में आज पांड्या ब्रदर्स मिलकर खाना बना रहे हैं ताकि धरा को रसोई से एक दिन की छुट्टी मिल सके। जरा देखिए, कोई गाजर घिस रहा है तो कोई आलू छील रहा है, कोई प्याज काट रहा है तो कोई आटा गूंथ रहा है। चारों भाई मिलकर बन गए हैं मास्टर शेफ। तभी हुई रसोई में ट्विस्ट की एंट्री जब बजी कुकर की सीटी, जिसके साथ पांड्या ब्रदर्स की गुल हुई सिट्टी पिट्टी। भाभी को हम थोड़ा आराम देना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम खाना वाना बनाएं, किचन का ध्यान रखें, क्योंकि एक तरफ रावि घर पे नहीं है और रिश्ता तो ऑफिस गई है, और मतलब रावि घर पे नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और धरा भाभी को हम परेशान नहीं करना चाहते। तो चारों भाई कोशिश कर रहे हैं, अब चारों अनाड़ी हैं, किसी को खाना बनाना आता नहीं, तो किचन का ये हाल हुआ पड़ा है। तो इट्स अ वेरी फन, वेरी वेरी लाइट सीक्वेंस दैट वी ऑल आर शूटिंग टुगेदर चारों भाइयों का, तो मजा आया। भाई आज तो पांड्या ब्रदर्स को यकीन हो गया है कि रसोई का काम इनसे ना हो पाएगा, और फिर कृष्ण ने शुरू किया अपना ड्रामा और चिल्ला चिल्ला कर शुरू कर दिया धरा भाभी को बुलाना। लेकिन ये क्या, धरा की जगह एंट्री हो गई रावी की, जिसे देखकर शिवा का पारा चढ़ गया और उसने रावी के ऊपर टमाटरों की बौछार कर दी। क्योंकि शिवा को अभी भी ये लगता है कि भाभी के साथ जो हुआ, जो भी अनीता ने किया, उसमें रावी को थोड़ी भनक थी कि क्या होने वाला है, और फिर भी उसने वो चीज होने दी। तो अब शिवा ने रावी को ये बोला है, अल्टीमेटम दिया कि तू खुद को साबित कर कि तू बेगुनाह है, और अपने परिवार के साथ तेरा कोई हाथ नहीं था उस कांड में, सिर्फ तभी मैं तुझे अपनाऊंगा। तो शिवा इसलिए नाराज है उसे, पर अब वो कब होता है और कैसे होता है वो आप देखिए। शिवा की गलत फहमी को दूर करने के लिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए रावी वहाँ से चली गई और पहुँच गई अनीता के पास। अब देखते जाइए कि कैसे रावी अनीता को मजबूर कर देगी सच बताने पर। मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।